हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JS GK एडुकेटर्स में। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस मेरी वीडियो में होते हैं वो सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। या तो वो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, या फिर वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आ सकते हैं। सो दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। सो वीडियो ध्यान से देखना सभी ने, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट विद दी क्वेश्चंस। ओके, पहले हमने टू पार्ट्स देख चुके हैं वीडियो के, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में कवर की थी, वो फर्स्ट वीडियो। सेकंड में हमने क्या है, तुगलक डायनेस्टी कवर की थी। एंड थर्ड वीडियो जो हमारा थर्ड पार्ट है या 12, वो है सैयद डायनेस्टी। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। हाँ जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? तो आंसर है इसका खिजर खान। खिजर खान इज़ द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द पीरियड ऑफ सैयद डायनेस्टी? सो जो पीरियड है वो 1414 to 1450, तो सैयद डायनेस्टी का ये पीरियड था। थर्ड क्वेश्चन है, हु नॉमिनेटेड खिजर खान टू रूल पंजाब? अब जो खिजर खान था उसको किसने नॉमिनेट किया था रूल करने के लिए पंजाब के ऊपर, पंजाब के ऊपर शासन करने के लिए? सो दैट इज़ नॉमिनेटेड बाय तैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन तैमूर इन्वेडेड इंडिया? सो इन 1398 तैमूर ने जो इंडिया पर हमला किया था, भारत पर जो हमला किया था, ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तब उस समय कौन राजा था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। तो तब तैमूर ने जो हमला किया था इंडिया के ऊपर, तो बाद में क्या है, वो वापस अपने जो सेंट्रल एशिया से आया था, वो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो वापस वहाँ पर चला गया और यहाँ पर जो गवर्नर अपना नियुक्त कर गया था खिजर खान को, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तैमूर वॉज ओरिजिनली बिलोंग्स टू? तो तैमूर कहाँ से बिलोंग करता था? दैट इज़ मंगोल्स, सेंट्रल एशिया से वो बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट तारीख ए मुबारकशाही? तो किसने लिखी है जे? अब्दुल्ला सरहिंदी ने लिखी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जे मास्टर कैडर में भी पूछा जा चुका है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट सैयद रूलर? तो लास्ट सैयद रूलर कौन था? अलाउद्दीन शाह आलम। तो बस इस सैयद डायनेस्टी के इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो ये मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो नेक्स्ट डायनेस्टी हम पढ़ते हैं अब, दैट इज़ लोधी डायनेस्टी, और टाइम पीरियड क्या था इसका? 1451 to 1526। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? तो दैट इज़ बहलोल लोधी। तो पहला राजा उसका क्या नाम था? दैट इज़ बहलोल लोधी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सक्सेसर ऑफ बहलोल लोधी? तो बहलोल लोधी के बाद कौन राजा बना था? सिकंदर लोधी, और उसका टाइम पीरियड मैंने साथ में ही लिखा है, 1489 to 1517। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सिकंदर लोधी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोधी का दूसरा नाम क्या है? दैट इज़ निज़ाम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ बिल्ट बाय सिकंदर लोधी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिकंदर लोधी ने कौन सा सिटी बनवाया था? दैट इज़ आगरा, और उसने अपनी जो कैपिटल है वो आगरा को बना दिया था सिकंदर लोधी ने, तो ये आपने ज़रूर नोट कर लेना है। हु वॉज द सक्सेसर ऑफ सिकंदर लोधी? तो सिकंदर लोधी के बाद कौन राजा बना? दैट इज़ इब्राहिम लोधी, और उसका टाइम पीरियड क्या है?
1517 से लेकर 1526 तक उसका टाइम पीरियड था, रूलिंग टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनवाइटेड बाबर टू अटैक दिल्ली। अब बाबर जो है उसको, जो मुगल शासक हुआ है उसको किसने इनवाइट किया था दिल्ली के ऊपर हमला करने के लिए? तो किसने किया था? दौलत खान लोधी, तो वो गवर्नर ऑफ पंजाब था। ये भी आपने अपने नोट कर लेना है कि जो दौलत खान लोधी था वो क्या था? गवर्नर ऑफ पंजाब था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बैटल ऑफ पानीपत फाउट। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कि बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सॉरी इसमें फर्स्ट नहीं लिखा, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच हुई थी? तो एक तो वो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी, और किन के बीच हुई थी? इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। मोस्टली वो ईयर पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपने ईयर अच्छे से इसको अपने माइंड में बिठा लेना है, 1526, और हुई किस किस के बीच में थी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द हेड ऑफ मिलिट्री कॉल्ड इन दिल्ली सल्तनत। अब जो दिल्ली सल्तनत के पीरियड हम पढ़ रहे हैं, तीन वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं, तो उनके जो मिलिट्री का जो हेड होता था उसको क्या कहते थे? तो आरिज़ा ममालिक, तो उसको आरिज़ाई ममालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है जी, हु रोट गीत गोविंद। तो किसने लिखा है? दैट इज़ रिटन बाय जयदेव। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक्स वर रिटन बाय आमिर खुसरो। तो इसमें कोई भी बुक का नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी बुक है, तो आपने ये तीनों जो बुक्स हैं वो याद कर लेनी है कि आमिर खुसरो की कौन कौन सी तीन है। फर्स्ट इज़ तुगलकनामा, सेकंड है तारिक-ए-आलाई, और थर्ड इज़ खजियान उल फतू। तो ये तीनों पुस्तक जो हैं, बुक्स हैं, वो आमिर खुसरो ने लिखी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड सितार। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सितार एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो इन्वेंशन है किसने की है? तो दैट इज़ इन्वेंटेड बाय आमिर खुसरो। तो जिनकी जो ऊपर बुक्स हैं लिखी हुई वो उसने ही इन्वेंट किया था। तो ये आमिर खुसरो जो है दिल्ली सल्तनत के 7 जो किंग्स थे उनके राज दरबार में रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया और टूटी आई हिंद। तूतिया हिंद, तो वो भी किसको कहा जाता है? आमिर खुसरो। देखो ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आमिर खुसरो पर जो लिखे हुए हैं मैंने, वो सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपने अपनी नोटबुक पर या कहीं भी आपने नोट जरूर कर लेने हैं, नोटपैड में कर लो, नोटबुक पर कर लो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट इज, हु इंट्रोड्यूस्ड पेपर इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के टाइम में ही जो पेपर है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये किसने किया था? ये अरब जो है उन्होंने, जो अरबी लोग थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जो दिल्ली सल्तनत का थर्ड पीरियड और थर्ड पार्ट, और जो ये जो लास्ट पार्ट है दिल्ली सल्तनत का, तो मैंने दिल्ली सल्तनत में से वो ही क्वेश्चन लिए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो और ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।